वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं ये ज़रा कर रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे इसकी वीडियो मैं पहले भी यूट्यूब पे दे चुकी हूँ, मैं आई बटन पे शो कर दूँगी। ऊपर ये इस तरफ आई बटन आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा मेरी ये वाली वीडियो भी। ये आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये मैंने डीप फ्रीज़र में रखे हुए थे। ये मैंने ईद से पहले लिए थे, क्योंकि आप सबको पता है ईद के टाइम पे जो है ना टमाटर ये लोग क्या करते हैं, महंगे कर देते हैं। जब सीज़न होता है तो टमाटर महंगे कर देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं टमाटर पहले मंगवा के रख के डीप फ्रीज़र में रख लेती हूँ, देन जो है ना मैं उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ता है, ये देखें, ऐसे फ्रीज़ करने से जो है ये होता है कि ये बाद में ऐसे ऐसे हल्के हल्के सॉफ्ट हो रहे होते हैं, तो फिर इनका छिलका उतारना पड़ता है। और अगर वैसे मैं कट करके डालूं तो वो छिलका छिलका आ रहा होता है ना, तो मैं अब इसको ग्राइंडर में वो बिल्कुल प्यूरी बना के, वैसे प्यूरी की वीडियो भी है, प्यूरी की वीडियो भी मैं इधर आई बटन पे दे दूँगी इस जगह पे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं टमाटर का पेस्ट बना के इसको डिफ्रीज़र में कैसे फ्रीज़ करते हैं वो आपको बताऊंगी, और कितने दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे इजी होता है कि आपको ग्रेवी जल्दी आपकी बन जाती है, तो टमाटर को फेंटना नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि टमाटर के छिलके नहीं आते। और मैं सालन में ज़्यादातर 3 टमाटर डालती हूँ, क्योंकि हम 2 बंदे हैं, तो अब सालन के लिहाज से होता है कितने, तो मैं चाह रही हूँ कि 3 अगर हम पहले पीस देते हैं, क्वांटिटी बनती है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल एक कप रखा हुआ है, मैं उसमें फ्रीज़ करके रखूँगी। जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर उनको निकालूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने अब इसमें 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और ग्राइंड करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें पानी मैंने बहुत कम ऐड किया है, ये देखिए पेस्ट पेस्ट टाइप आ रहा है। ओहो, ज़्यादा हो गया ये तो। मतलब ये है कि ये दो कप जो है ना, 3 टमाटर हुए। ये बहुत छोटे कप है ना, इतने बड़े नहीं है, शायद आपको दिखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। ये देखिए, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने छोटे हैं, ये तक हैं 3-4 हैं, तो बहुत छोटे कप हैं ये। तो ये मतलब मैं अगर 2 जो है ना निकाल के डालूँगी अपने सालन में, तब जाके मेरा सालन कम्प्लीट होगा। ऐसे मैं बहुत सारे बना के रख दूँगा करके कर दिए हैं, ये 3 मतलब एक टाइम एक मेरा काम आ जाएगा, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। आप ऐसे जो है ना ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। और कप वाला भी आपने देख लिया होगा, कप में भी मैंने कर दिए, तो ये मैंने 3 मतलब 3 दिन आराम से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो एक और भी रखा हुआ है, तो आप मतलब इस तरीके इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो है ना सालन का पेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसमें ये है कि आपके टमाटर मुंह में नहीं आते, टमाटर पकने के टाइम पे ये इस तरह पेस्ट की वजह से जो है ना पूरा उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छे से पक जाता है, आपका सालन ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। कि मैंने इस तरह करके बहुत मरतब बनाया ना, तो बहुत अच्छा कलर आता है सालन का, बहुत मज़ेदार बनता है।